सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बॉलीवुड की अदाकारा श्रीदेवी की मौत को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक परिवार को उनका पार्थिव शरीर नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि अभी तक श्रीदेवी के पार्थिव शरीर पर लेप लगाने की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। सरकारी वकील की इजाजत के बाद ही इस प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत दुबई में 24 फरवरी की रात 11 बजे हुई थी। खबर है कि इस मामले में होटल स्टाफ से पूछताछ हुई है, साथ ही श्रीदेवी की कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। इस बीच बोनी कपूर के बेटे और फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर भी दुबई के लिए निकल गए हैं। उनकी टीम ने इस बात की पुष्टि की है। गौरतलब है कि अर्जुन कपूर बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर के बेटे हैं। रविवार की सुबह ही दुबई पुलिस ने श्रीदेवी के पति बोनी कपूर का प्राथमिक बयान दर्ज किया है। पुलिस ने ये पूछताछ श्रीदेवी की मौत की खबर के तुरंत बाद ही की थी। हालांकि सोमवार को आगे की पूछताछ के लिए बोनी कपूर को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया गया था। दरअसल दुबई पुलिस और अस्पताल की तरफ से जांच हो चुकी है, लेकिन सरकारी वकील की तरफ से सभी जांच को आखिरी मंजूरी नहीं मिली है। सरकारी वकील मौत के कारण, स्थान, समय, हर बात की जांच करेंगे और उसी के बाद ही पार्थिव शरीर को भारत ले जाने की मंजूरी दी जाएगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।